उधमसिंह नगर जिले में इन दिनों पुलिस अवैध खनन पर सख्त रुख अपना रही है। सीमांत कोतवाली खटीमा में पुलिस के द्वारा इन दिनों अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा खटीमा के दिया क्षेत्र से अवैध खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर सीज कर दी गई। साथ ही पकड़े गए आरोपी चालक को अवैध खनन करने के जुर्म में जेल भेजा गया। वहीं दो दिन पूर्व भी पुलिस ने चकरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन में पकड़कर खनन आरोपी को जेल भेज दिया था। पुलिस के द्वारा अवैध खनन में सीधे जेल भेजने की कार्रवाई से सीमांत क्षेत्र खटीमा में खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना कि अवैध खनन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अवैध खनन में पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये विगत कुछ समय से उच्चाधिकारी के आदेश पर पूरे संपूर्ण जिले में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा आज सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन में पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इससे पहले भी दो दिन पहले हमारे द्वारा चकरपुर क्षेत्र में एक ट्रक ट्रॉली को अवैध खनन में पकड़ा गया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को हमने जेल भेजा और उसके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। संवाद 365 के लिए उधम सिंह नगर से दीपक चंद्र की रिपोर्ट।